आजकल फिल्मों को जज करने के लिए सिर्फ दो शब्द काफी है, रीमेक या फिर ओरिजिनल। 50% फैसला तो तभी हो जाता है फिल्म चलेगी या पिटेगी। दृश्यम, इसको बिना किसी शक के आप बॉलीवुड से निकलने वाली वन ऑफ द बेस्ट सस्पेंस थ्रिलर बोल सकते हो। लेकिन 7 साल पहले 99% हिंदी ऑडियंस को ये नहीं पता था कि वो फिल्म ओरिजिनल ही रीमेक थी, बट आज तो पता है, तो अब पार्ट 2 का क्या होगा। दृश्यम 2 का ट्रेलर फाइनली आफ्टर काफी लंबा इंतजार यूट्यूब तक पहुंच गया है। साथ में लेकर आया है वही पुराना सस्पेंस और डर। ऑनेस्टली काफी सारी बकवास फिल्मों के ट्रेलर देखने के बाद फाइनली एक अच्छे तरीके से एडिट किया ट्रेलर देखने को मिल रहा है। स्टार्ट से लेकर एंड सीन तक फिल्म का सस्पेंस बना हुआ है। कहानी कितनी खतरनाक टाइप की होगी उसका हिंट भी मिल गया, प्लस कुछ रिवील भी नहीं हुआ। मैं जानती हूँ ट्रेलर और ये मेरा वाला वीडियो सबसे ज्यादा अजय देवगन के फैंस देख रहे हैं, है ना? बट दोस्त, मेरे लिए ट्रेलर देखने की वजह कोई और ही है। अक्षय खन्ना एकदम अंडररेटेड परफॉर्मर, व्हाट अ कमबैक। ये बंदा दृश्यम 2 की हाईलाइट होने वाला है, बिना फिल्म देखे 100% भरोसे के साथ बोल सकती हूँ मैं इस बात को। अजय देवगन तो हमेशा सेंटर पे रहेंगे ही, ये कहानी चला ही वो रहे हैं, हम सब उनकी आंखों से फिल्म देख रहे हैं। और डार्क सीरियस मूवीज में पता नहीं कैसे अजय देवगन की एक्टिंग स्किल्स अपने आप सुपर मोड पे चली जाती है। लेकिन चेस के गेम में तभी मजा आता है जब सामने वाला खिलाड़ी आपकी चाल का जवाब पीछे हटके नहीं सामने से वार करके दे। और इस बार तो खेल में एक रानी भी है, तब्बू मैम। ये फिल्म में डालने वाली है रिवेंज का फ्लेवर, बदला लिया जाएगा प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों नुकसान का। ट्रेलर का सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है कि फिल्म की कास्ट सेम टू सेम रखी गई है, वही पुराने एक्टर्स हैं। इसलिए आज भी जब दृश्यम 2 का ट्रेलर देखोगे तो दिमाग अपने आप फ्लैशबैक में जाके वही इमोशंस और कनेक्शन को ढूंढ लेगा जो इन लोगों के साथ पिछले 7 साल से जुड़ा हुआ है। तो फिर दिक्कत कहाँ है? आप जानते तो हो रीमेक ये सब पीछा नहीं छोड़ेगा, जादू टोना कुछ भी कर लो। दृश्यम बॉस एक सस्पेंस बेस्ड फिल्म है, कहानी में ही इसका असली पावर छुपा हुआ है, कुछ VFX वगैरह नहीं मिलेगा आपको। अब सोचो कहानी अगर पहले से ही सुन ली और सस्पेंस खुल गया तो थिएटर में 2 घंटे निकालना कितना मुश्किल होगा। जानबूझकर कोई ऐसी गलती करेगा। जो ओरिजिनल फिल्म है दृश्यम 2 मोहनलाल सरवाली, वो डायरेक्ट OTT पे आई थी एंड ट्रस्ट मी, इसने फर्स्ट पार्ट को भी छोटा बच्चा साबित कर दिया था। उस फिल्म का हाइप इतना ज्यादा क्रिएट हुआ था कि मुझे लगता है जो ट्रू सिनेमा लवर्स है वो ऑलरेडी उसको कम से कम एक बार तो देख चुके होंगे। अब ये रीमेक वाली फिल्म के मेकर्स को कॉन्फिडेंस सिर्फ एक शब्द से मिलेगा, हिंदी डबिंग, जो ओरिजिनल मलयालम फिल्म के साथ अवेलेबल नहीं थी। अजय देवगन प्लस अक्षय खन्ना प्लस तब्बू, खतरनाक टैलेंटेड स्टार कास्ट और साथ में हिंदी लैंग्वेज, क्या लगता है इतना काफी होगा ऑडियंस को थिएटर तक खींचकर लाने के लिए? ओरिजिनल फिल्म तो OTT पर रिलीज हुई लेकिन ये रीमेक लेकर थिएटर पहुंच गए, कॉन्फिडेंस या फिर ओवर कॉन्फिडेंस? पर्सनली मुझे तो ट्रेलर अच्छा लगा, ऐसी कोई एक भी गलती नहीं ढूंढ सकते आप इसके अंदर। एडिटिंग वगैरह भी एकदम टाइट है, ना कुछ एक्स्ट्रा ना कुछ कम। हाँ, लेकिन एक बात भूलिएगा मत, फर्स्ट पार्ट को बनाया था डायरेक्टर निशिकांत कामत ने, अनफॉर्चुनेटली अब वो हमारे साथ है नहीं। तो ये वाला पार्ट 2 अभिषेक पाठक ने डायरेक्ट किया है, जो ओरिजिनली एक प्रोड्यूसर है। अब पता नहीं डायरेक्शन में इनका टैलेंट कितना काम करेगा, रिस्क है बॉस। फटाफट जल्दी जल्दी कमेंट मार के अपना एक्सपर्ट ओपिनियन शेयर कर दीजिए। थिएटर में जाकर इस फिल्म को देखने का आपके पास कोई रीजन है या फिर घर पर बैठकर दोबारा ओरिजिनल वाली फिल्म देखना पसंद करोगे? बोलो बोलो।